अच्छा ये हाँ जी सॉरी एक्स मुस्लिम अली। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ, आपकी वजह से ना हमारा ईमान चला गया। अच्छा किसकी, जी गालिब की मेरी वजह से? ओहो नहीं सर, हरस भी आपको देना चाहता हूँ। अच्छा चलें, सर पहले मैंने आपको टिकटॉक पे देखा था, आपकी एक वीडियो, मेरे फिर मैंने वजह से भी आपका कुछ गया है कि नहीं? अगर आप, मुझे लगता है मेरी वजह से कुछ और गया जिस वजह से आप मेरी नहीं बिल्कुल सर, आपकी जो बात है होती थी ना, तो बड़ा मतलब वो लगता था, अजीब लगता था आपको सुन के ना, फिर आप अपना भी लहजा थोड़ा चेंज कर गए, तो इस वजह से आपकी भी सारी वीडियोस देखते हैं, आपका साइंस चैनल भी बहुत शौक से देखता हूँ। बेसिकली मैंने ईमान, मतलब पहले तो मैं इस्लाम के बारे में ऐसे सोचा था जैसे इस्लाम का दायरा है उसी में रहेगा, इस्लाम की जो सही और गलत चीजें थी उसमें नोट करता था। फिर आपने जब बताया कि इस दायरे में ही कोई गलती है, तो तब तो मैंने फिर इस पे सोचना शुरू किया और सवाल उठाना शुरू किया, और फिर मुझे पता चला कि इस पे सवाल करना ही जायज नहीं है। तो मैंने कहा यार ये कैसा लॉजिक है कि खुदा ने ही दिमाग दिया है और खुदा ही कहता है मेरे बारे में ना सोचो, ये कौन सी बात है? हर चीज उसी की बनाई हुई है और उसी के, अगर उसी में कोई गलती है तो फिर हम उसी के दिमाग से उसी का सोच रहे हैं। सर मैं आपका स्पेशल थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने हमारे दिमाग की नसें खोली। अरे आपकी अच्छी बात है, आप लोगों की इसी तरह की बातें सुन के ही हमारे हमारा जो खूब है खून जो है वो बढ़ता। अच्छा सर मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो इंडियन एक्स मुस्लिम्स हैं, आप इनके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये लोग मुनाफिक हैं? किसके बारे में, किसके बारे में? इंडियन एक्स हाँ मुस्लिम, इंडियन एक्स मुस्लिम, हाँ मैं सर इंडियन एक्स मुस्लिम के बारे में पूछ रहा था आपसे। हाँ गालिब यू हैव समथिंग टू ऐड? मैंने उनकी डिबेट जो थी उसके ऊपर थोड़ा सा जी अभी अपना। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक बंदे ने एक एक इंडियन एक्स मुस्लिम के चैनल पे एवोल्यूशन के खिलाफ स्ट्रीम की, ठीक है? अब आप मुझे बताएं कि वो अपने आप को इंडियन एक्स मुस्लिम कहते हैं, टोनी ग्राउंड, ठीक है, उनके चैनल पे एवोल्यूशन के खिलाफ स्ट्रीम हो रही है। अब मुझे बताएं कि मैं और हारिस उससे कैसे एग्री कर सकते हैं? कोई भी बंदा जो कि साइंस को समझता है या साइंस की साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है या रैशनल टेम्परामेंट रखता है, वो ऐसे ऐसे लोगों के साथ कैसे बैठ सकता है? मेरे ख्याल में तो उनमें और जाकिर नाइक में क्या कोई फर्क है, मुझे ये बताएं। जाकिर नाइक भी तो एवोल्यूशन के खिलाफ ही बातें करता है ना, सही है? जाकिर नाइक भी तो गलापेटस आइलैंड और ये बातें करता रहता है, और एग्जैक्टली किसी ने मुझे क्लिप भेजा, एग्जैक्टली वही बोंगियां जो कि जाकिर नाइक मारता है उनके चैनल के ऊपर उन्होंने वो एक एक डॉक्टर बिठाया हुआ है जो कि मेरे पास आया था, और उस बंदे को ये नहीं पता था कि वेस्टिजियल वेस्टिजियल ऑर्गन ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है? मेरे पास आया था, उसको ये नहीं पता था, और ये बिठा के उसको उससे प्रेजेंटेशन दिलवा रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि अपने दिमाग के न्यूरॉन्स बचाएं, इस तरह के उल्लू के पट्टों को मत सुना करें, समझ गए? सर, अगर वो इंडियन ये एक्स मुस्लिम हैं, वो इंडियन डॉगमेटिज्म, इंडिया में डॉगमेटिज्म फैलाने वाले लोग हैं, वो एक्स मुस्लिम नहीं है। इंडियन एक्स मुस्लिम हम जानते हैं, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है? ये डॉगमेटिक लोग हैं, ये टुन्नी ग्रुप है सारे का सारा। ये संजय दीक्षित को और नीरज अत्री को खुश करने के लिए एवोल्यूशन के खिलाफ स्ट्रीम्स कर रहे हैं। अब बताएं नहीं मुझे सर, क्यों? अगर एक्स मुस्लिम अगर कोई बंदा है, अगर वो एवोल्यूशन को मानता है या नहीं मानता, मतलब उसने इस्लाम छोड़ा है और उसको तो चाहिए कि वो एवोल्यूशन को सही करे। अगर उसको मतलब किसी खुदा ने इंसान को अगर नहीं बनाया, उसने मान लिया है, तो फिर वो किसको मान रहा है? मतलब वो मैं आपको किसी बता रहे हैं ना सिंपल उसकी। सी बात है भाई, मेरा तो उन बंदों से सिंपल सा यही इख्तलाफ होगा कि भाई आप जाकिर नाइक हो, मेरी नजर में आप अहमद दीदार हो, जाकिर नाइक हो, मौलाना तारिक जमील हो, मुफ्ती मसूद हो, ठीक है? पिछले दिनों मुफ्ती मसूद ने जैसी बोंगियां मारी थी तारिक मसूद ने एवोल्यूशन पे, वैसे ही इन लोगों के चैनल पे बैठ के लोग मार रहे हैं, और ये उनको बड़ी वाह वाह कर रहे हैं, उनको डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हालांकि वो बंदा जो है ना, वो डॉक्टर क्या, नर्स भी नहीं, कंपाउंडर भी नहीं होगा, पता चले अभी इधर उधर बैठ के वो पता चल रहा हो कि साइकिलें ठीक करता हो, तो इन्होंने नहीं, उसको डॉक्टर साहब एवोल्यूशन को गलत कह के वो साबित क्या कर रहे हैं, किसने बनाया? वो खुश कर रहे होते हैं। नहीं, वो असल में दुनिया को खुश खुश कर रहे कर होते रहे हैं, हैं दुनिया यार। को खुश कर अगर रहे होते हैं। अगर फर्ज करें कोई बंदा एक्स मुस्लिम है और वो एवोल्यूशन को नहीं भी मानता, वो तब तक उसके खिलाफ बात नहीं करेगा जब तक वो दुनिया को खुश नहीं कर रहा। तो ये आप याद रखें, हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं आप उनके ये फैंस। देखें ना, आप ये देखें ना, एक इन्होंने अपने नाम देखें क्या क्या रखे हुए हैं। सरस्वती देवी, जय देवी,
यानी क्रिश्चियन, वो एक उनमें से एक्स मुस्लिम, पता नहीं एक्स मुस्लिम है या नहीं है, वो क्रिश्चियन है, जीसस की तारीफें करती थी, वो टुनियो ने उसकी धुलाई की तो उसने अपना नाम जयदेवी रख दिया। यानी क्या यार, आप लोग इतने, अगर आप लोगों को इतना डर लगता है लोगों से, तो आप क्या एक्टिविज्म काम करो, जाके वो कोई कालिदास जी से क्रिश्चियन किसी में। ने, कालिदास जी से किसी ने दूसरा कलमा पूछा, उसे दूसरा कलमा नहीं आया, बताएं मुझे। अब मुझे दूसरा कलमा, मैं मुसलमान नहीं रहा, मुझे दूसरा कलमा आता है, ठीक है, अब बता दें आप मुझे। मुझे सूरह इखलास आती है, सूरह फातिहा मुझे आती है, मुझे आती है। तो अब एक बंदा एक्स मुस्लिम है, उसको नहीं आती, बताएं मुझे, मैं फिर क्या करूं उसका। ठीक है, अभी वो अपोस्टेट प्रॉफिट के पास भी एक टुन्नी जाके जलील हुआ है, ठीक है, वो भी झूठ बोल रहा है। हाँ, हाँ, वो भी जाके जलील हुआ है उधर। भाई तो कह ये लेते बस हैं, ऐसे ही उसने है, कितनी खाई थी उससे। हाँ हमारी कोई किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, बस प्रिंसिपल हमें ये डॉगमा की बात है। की मैंने लड़ाई आज, है। हमने पवन लड़का आया बड़ा जबरदस्त, वो इंडियन है, हिंदू है, बट ही इज अगेंस्ट डॉगमा, वो जो उनकी बात करता है। तो हमने तो सिर्फ ये है कि जो सही बात करे, जो अब ये देखें, ये एवोल्यूशन को, आई मीन वेस्टिजियल ऑर्गन का नहीं उसे पता उस बंदे को, एंड ही वांट्स टू डिबंक एवोल्यूशन। और ये जितने लोग एवोल्यूशन को डिबंक करने आते हैं, जब भी इनसे बात करते हैं एवोल्यूशन के, एबीसी भी नहीं पता होती। सो व्हाट आर दीस पीपल, हु आर दे एनीवे। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।